फिर जहाँ विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन में अंडर 18 क्रिकेट टीम के साथ लूट की वारदात सामने आई है। क्रिकेट टीम महासमुंद से राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेल पर रायपुर आ रही थी, तभी पिस्तौल और चाकू के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरपीएच कॉलोनी में सिग्नल का इंतजार कर रही ट्रेन में 8-10 असामाजिक तत्वों ने नाबालिग पर चाकू और लाठियों से हमला कर दिया। ट्रेन के रायपुर स्टेशन पहुंचने के बाद घायलों को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल लाया गया। लूट की घटना के बाद डीआरपी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर संदेहियों से पूछताछ कर रही है। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी सहयात्री बच्चों की मदद के लिए आगे नहीं आया। लड़का और 3-4 लड़कों को लेकर अचानक ट्रेन में चढ़ा और इनसे मारपीट करना शुरू किया। तो कार्तिक नायडू ये बोले कि क्यों मारपीट कर रहे हैं ऐसे करके, तो फिर इसके सिर में लाठीस मारे हैं और कोई धारदार हथियार से कूलर में चोट पहुंचा है। उसके बाद फिर कार्तिक नायडू का एक मोबाइल और सुमित का एक मोबाइल और वैभव का मोबाइल, 3 मोबाइल लूट करके ट्रेन से कूद के भाग। इंदौर की विजय नगर पुलिस